हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए तो फिर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नाम मॉडर्न मैथ का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंटीरियर्स। ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूज करने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, समय बर्बाद करने से पहले ही, बिना समय बर्बाद किए कह सकते हैं, हम चालू करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला अपोजिट नेचर की बात करें। इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे। माइनस वाले और प्लस वाले ऐसी संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये इन्हीं में माइनस लगा दिए, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। सबसे पहले अपोजिट नेचर की बात करता हूँ। अपोजिट नेचर करके आपको क्वेश्चन आएगा, अपोजिट नेचर नहीं, ये भावना मैं बता रहा हूँ आपको इस प्रकार से। जैसे अपोजिट नेचर की यदि मैं बात करूँ तो इसमें पहला मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ आपको। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि जो है, यदि कोई इंसान जो है प्लस 20 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, किस तरफ चलता है? ईस्ट में। तो ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या कहा जाता है? वेस्ट। तो यदि वेस्ट में चलेगा तो कितना उसको कहा जाएगा? ये चलिए प्लस 20, तो इसमें लगा दीजिएगा -20 किलोमीटर। इसी प्रकार से दूसरा आपको जो दिया जाएगा, जैसे ईस्ट का हो गया वेस्ट, वैसे अपहिल, अपहिल के लिए यदि आप प्लस का यूज करते हैं तो डाउन हिल के लिए किसका यूज किया जाएगा? डाउन हिल के लिए किया जाएगा माइनस का यूज। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, आप करते हैं डिपॉजिट, डिपॉजिट का बात करते हैं। डिपॉजिट में जैसे आप बैंक में कोई पैसे जमा करते हैं, कहते हैं डिपॉजिट कहा जाता है, तो उसके लिए क्या रहेगा? उसका अपोजिट क्या रहेगा? विदड्रॉ। जैसे डिपॉजिट यदि आप प्लस में लिखते हैं तो विदड्रॉ किस में आएगा? माइनस में। इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूछे जा सकते हैं। और हो सकता है कि आपसे और पूछे, जैसे जो है बिलो पूछा जाए, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो के लिए माइनस यूज करेंगे, अबव का मतलब होता है ऊपर, तो इसलिए किसके यूज करेंगे? प्लस 20 किलोमीटर अबव अर्थ सर्फेस, अर्थ की सर्फेस से 20 किलोमीटर ऊपर, तो प्लस में आएगा। 20 किलोमीटर यदि नीचे जाना है बिलो मतलब की माइनस को 20 लिखेंगे। तो इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पूछा जा सकता है। और बात करते हैं अपन नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको अपोजिट नेचर बता दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आपको नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन में आपको हो सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाए कि इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो सिंपल है भाई, आप नंबर लाइन पहले से बनाते आ रहे हैं, आपको मालूम है कैसे बनाई जाती है। हम बीच में जीरो डिनोट करेंगे, आपके पास स्केल है, स्केल से नाप्ता बना सकते हैं। स्केल में लिखा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जनरली स्केल होता है 15 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरफ यदि जीरो के इस तरफ आऊंगा तो जीरो से पीछे आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? -1, फिर आएगा -2, -3, -4, तो इस प्रकार के नंबर आएंगे माइनस के लिए। अब नंबर लाइन पे यदि मैं आपको कहता हूं 2 डिनोट कीजिए नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर 2 है, पी पॉइंट कहा जाए 2 डिनोट हो गया, यहाँ पर पी आ गया। यदि क्यू कहता हूं तो क्यू पॉइंट का नाम है माइनस का 3, तो आप देखिए -3 यहाँ पर लिखा, तो इस पॉइंट को दर्शा सकते हैं आप क्यू। तो इस प्रकार से सेकंड का प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। थर्ड नंबर पे आता हूं, आपको डिसेंडिंग पूछा जा सकता है या असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग की पहले बात करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर आना है। सिंपल नंबर से यदि मैं आपको देता हूं, सिंपल नंबर 15, 17, 29, 2, 4, इसे यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना तो आसान है, 29 सबसे बड़ा है ये, फिर क्या हो गया सब, फिर उससे बड़ा क्या है? 29 से छोटा, जस्ट छोटा क्या, 15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा, सॉरी 15 नहीं 17 आ जाएगा, फिर आएगा 15, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 2। तो इस प्रकार से फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर होने वाले, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर। लेकिन क्वेश्चन आपको और भी वहां के आने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से, -7, 2, 4, 6, -3, इस प्रकार से। तो याद है माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। नंबर लाइन से समझेंगे, नंबर लाइन हमेशा छोटे से बड़ी की ओर जा रही है, तो माइनस में जो भी -4, -3 से छोटा है। यदि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहता हूं तो कैसे जमाएंगे? इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए सबसे बड़ा क्या है इसमें? कई लोगों को लगता है -7 है ना, स्टूडेंट्स आपको लग सकता है कि -7 होगा, लेकिन -7 नहीं, माइनस में इसलिए इसको छोड़ ही दो, पहले माइनस वालों को छोड़ दो, सबसे बड़ा क्या प्लस वाले पढ़े, प्लस में सबसे बड़ा क्या है 6, फिर उससे जो छोटा है उससे छोटा क्या है 2 है कि 4 है, 4 है, फिर उससे छोटा क्या है 2। अब माइनस वालों को पकड़ेंगे, माइनस में 7 है, माइनस का 3, मैंने पहले ही बताया माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा है, -7, -3 से बड़ा मतलब जितना बड़ा उतना छोटा होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा -3 आएगा, उससे भी छोटा आएगा -7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, इसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया।
इसे ही यदि फोर्थ पॉइंट करके असेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूं, तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर पर आ जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की एक एग्जांपल अगर बहुत बढ़िया तरीके से ले लेते हैं, हमने लिखा 2, 6, -4, 8, -9, इस प्रकार से लिखा। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो मैंने पहले कहा था कि जो सबसे छोटा होता है, जो सॉरी सबसे माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ा ये कहलाएगा, सबसे छोटा ये कहलाएगा -9। फिर उससे बात करता हूं, इससे बड़ा क्या कहलाएगा, -4। अब इससे बड़ा क्या आएगा, 2, और इससे बड़ा आएगा 6, और इससे बड़ा आएगा 8। तो इस प्रकार से हमने असेंडिंग ऑर्डर भी सीख लिया है। अगला टॉपिक जो मैंने लिखा है एडिटिव, एडिशन की बात करता हूं। एडिटिव इनवर्स की पहले बात की है, थर्ड हो गया फोर्थ हो गया, फिफ्थ पर आता हूं। एडिटिव इनवर्स की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर उस नंबर में जोड़ना है जो इक्वल कर दे जीरो के बराबर। जैसे कि मैं फोर में क्या प्लस कर दूं कि जीरो आ जाए, तो फोर में ऐसे कोई भी नंबर नहीं आपको याद आ रहा होगा, प्लस कर दूं जीरो आ जाए। चलिए मैं बता दूं, फोर में क्या कर दूं, -4 प्लस कर दूं, तो फोर में -4 प्लस करने पर क्या आ जाएगा, आंसर जीरो। तो फोर के लिए एडिटिव इनवर्स कहलाएगा -4। सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर दिया, यदि आपको 4 दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स AI क्या लेता है, एडिटिव इनवर्स 4 के क्या हो जाएगा, -4। अच्छा ऐसा तो ठीक है, तो बन जाएगा आपसे। पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है, सर यदि -6 करके दिया होगा तो क्या किया जाएगा। इसके लिए भी आसान है, जिसमें माइनस नहीं लगा होगा उसमें माइनस लगा दिया, एडिटिव इनवर्स कहला गया। जिसमें माइनस पहले से लगा है उसको भाई माइनस हटा दें और प्लस कर दे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बता दिया। दो तीन कॉन्सेप्ट और बचे, जल्दी से सब नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया, फिर नोट डाउन किए करें। नोट डाउन कर ले भाई, इसे नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैथमेटिक्स क्या प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अभी तक नोट डाउन कर ही लिया होगा आप लोगों ने, चलिए मैंने इसे मिटा दिया और आगे बढ़ता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अपनी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ये तो बताया, और भी जो जरूरी चीजें आने वाली है, फिर आता है एडिशन। एडिशन की बात करता हूं, एडिशन मतलब प्लस करना है। तो एडिशन बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो साइन लाइन से होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम एडिशन कैसे करना है। एग्जाम्पल है 4 + -3, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 4 + -3, 4 में -3 प्लस कर दो क्या लगता है, 7 आएगा क्या, नहीं भाई इतना आसान थोड़ी है। तो याद है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो आंसर आ गया 1। तो यदि मुझे 4 में -3 प्लस करना था तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो याद है पहले मैं आपको साइन के बारे में बता दूं, प्लस और प्लस एक लाइन से है, जैसे ये लाइन से है ना, एक जस्ट बीच में नंबर नहीं, प्लस और प्लस लाइन से है तो प्लस ही रहेगा, माइनस और माइनस लाइन से है तो क्या हो जाएगा प्लस, पर प्लस और माइनस लाइन से आएगा तो माइनस आएगा, और माइनस और प्लस लाइन से आएगा तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इस प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जांपल 1 पकड़ा था हमने, एग्जांपल 2 ले लेता हूं, एग्जांपल 2 भी आपको समझा देता हूं। जैसे कि 4 + -3 है, इसको लिखता हूं मैं 6 - -2, तो 6 - -2 होगा, आपके मन में 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बच जाना चाहिए, इतना आसान था, क्यों कठिन कर रहे हैं। देखिए साइन 2 बार है, माइनस माइनस 2 बार, तो माइनस और माइनस के लिए क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा भाई 8। तो आपको एडिटिव इनवर्स और एडिशन के बारे में पता चल गया। इसी प्रकार से ये तो ये एडिशन था भाई, ये तो माइनस लगा है, तो इसे कहते हैं सबट्रैक्शन कह देता हूं। ठीक है, तो आपको दो टॉपिक और बता दिए मैंने, एडिशन कैसे करना है, सबट्रैक्शन कैसे करना है। अब आपको बता रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में, जैसे आपसे पूछा जाए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन मतलब, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा, स्मॉलर देन मतलब छोटा होगा, इक्वल टू मतलब इक्वल टू होगा, इस प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल टू इस प्रकार की चीजें बात करते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन आएगा आपसे, कोई एग्जांपल वन ले लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा ऐसा लिखा है -4, बीच में बॉक्स बना हुआ है, अब लिखते हैं यहाँ पर 5 में लिख के मैं कर देता हूँ 0। अभी बताओ -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है, यदि आपने इंटीजर्स नहीं पढ़ा तो आपके मन बेसिकली सबसे अच्छे तरीके से तुरंत आता होगा कि -4 बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। देखिए नंबर लाइन की बात करें तो 0 यहाँ पर आएगा, -4 यहाँ पर, जो जितना पीछे होगा उतना छोटा होगा, छोटा कौन सा है, छोटा ये है, बड़ा ये है, बड़े की तरफ मुंह खुला होगा, छोटे की तरफ छोटा निशान, तो ये इस प्रकार से ग्रेटर देन हो गया।
जीरो ग्रेटर देन या माइनस फोर इज लेस देन जीरो, माइनस फोर इज लेस देन जीरो। इसी प्रकार से एग्जाम्पल टू ले लेता हूँ। एग्जाम्पल टू है सिक्स, बीच में बॉक्स बना हुआ है, माइनस एट लिखा हुआ है, तो सिक्स पढ़ा कि माइनस एट, माइनस का है तो हमेशा छोटा ही होगा, जिस प्रकार से माइनस हो रहा है ये छोटा हो गया। एग्जाम्पल थ्री की बात करता हूं, माइनस फोर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस सिक्स। अब चलो दोनों में माइनस माइनस आ गया, अब तो तुमको लग रहा होगा कि सर अब तो माइनस माइनस आ गया ना, तो माइनस सिक्स बड़ा होना चाहिए। नहीं देखो, यदि तुम ध्यान से देखो तो जीरो यहाँ पर, माइनस फोर यहाँ पर, तो माइनस सिक्स यहाँ पर आएगा, तो अभी भी जो है माइनस सिक्स पीछे, तो माइनस सिक्स क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो आप लोगों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों बता दिया, तो 1.1 सॉल्व करने के लिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट काफी है, यदि आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो चलिए आपको बता दिया मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, आप इसे नोट डाउन कर लें, इसके बाद आप 1.1 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता तो मैं वापस आपको ट्राई करूंगा कि 1.1 का पूरा सोल्यूशन लेकर आऊं। चैप्टर पढ़ाए से पार्ट में वीडियो बनाएंगे तो समझें, और समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, जब तक मैं 1.1 का सोल्यूशन ला रहा हूँ आप इसे नोट डाउन कर लें, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।